ब्रांच अकाउंटिंग में ब्रांचेस को दो तरह से पढ़ना होगा, या दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक डोमेस्टिक ब्रांचेस, एक फॉरेन ब्रांचेस। इंडिया में आपने कोई ब्रांच बनाई है, जैसे मान लो कलकत्ता में मान लो आपका गारमेंट का काम है, आपने जमशेदपुर में, नागपुर में, या मान लो हैदराबाद में एक ब्रांच खोली, वहां पे रिटेल गारमेंटिंग करेंगे, तो वो आपने एक ब्रांच खोल लिया। तो अगर आप इंडिया के पेरिफेरी के अंदर खोलते हैं तो वो डोमेस्टिक ब्रांच हो गई, और इंडिया के बाहर अगर आप ब्रांच खोलते तो फॉरेन ब्रांच हो गया। फॉरेन ब्रांच का डिस्कशन अलग से करना पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है, वो डिस्कस हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से करेंगे। और रहा इंडियन ब्रांच का सिस्टम, तो हम लोग पहले उसी का रिवीजन करेंगे। तो डोमेस्टिक ब्रांचेस में जो बुककीपिंग का तरीका है, वो उसमें क्या है कि उसमें तीन मेथड है, या तीन मेथड के पहले मैं आपको बोलूं, उसमें ब्रांच को, इंडियन ब्रांचेस को दो तरह से डिवाइड किया गया है। द ब्रांच कैन बी ए डिपेंडेंट ब्रांच, और द ब्रांच कैन बी एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच का स्टोरी एक ही लाइन पे खत्म हो जाता है, ये बोल के कि डिपेंडेंट ब्रांच अपना बुक्स खुद नहीं रखता, क्रॉस कर दिया मैंने, और इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना बुक्स खुद मेंटेन करता है। अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का फर्क समझना चाहो तो बस यही फर्क है कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का बुक्स वो लोग खुद मेंटेन करते हैं। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग में हम लोग बाद में आएंगे, पहले डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग के प्रोसीजर को समझते हैं। अब क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांचेस अपना बुक्स मेंटेन नहीं करती, तो वो लोग अपनी बुककीपिंग के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती हैं, तो हेड ऑफिस उनका बुककीपिंग करता है। तो वो लोग क्या करते हैं, सारे डिपेंडेंट ब्रांचेस हेड ऑफिस को या तो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी फोर्टनाइट, हर 10 दिन में या महीना में एक बार करके सारा डिटेल, जो जो हेड ऑफिस मांगता है, सारा डिटेल वो लोग दे देते हैं। और हेड ऑफिस अपने बुक्स के अंदर सर्टेन ब्रांच रिलेटेड अकाउंट्स खोलता है, माने बुक्स हेड ऑफिस वाला ही रहता है, ऐसा नहीं कि हेड ऑफिस के लिए ब्रांच अलग से बुक्स खोलता है, हेड ऑफिस के बुक्स में ही ब्रांच रिलेटेड कुछ अकाउंट्स खुल जाते हैं। ओके, और फिर हेड ऑफिस उसका सारा अकाउंटिंग कर लेता है, और अगर ब्रांच को डिटेल देना होता है, ब्रांच की तरह कितना प्रॉफिट हुआ, देख तेरे पास क्या एसेट लायबिलिटी है, तो ब्रांच को वो सारा डिटेल हेड ऑफिस फिर मेल करके या व्हाट्सएप में या जैसे भी उसको फॉरवर्ड कर देता है, अगर फीडबैक की जरूरत पड़े तो। लेकिन एक चीज आपको क्लियर समझना होगा कि डिपेंडेंट ब्रांचेस का सारा बुक कीपिंग हेड ऑफिस ही करता है, और उसके लिए सारा डिटेल ब्रांच से हेड ऑफिस को मिल जाता है, और जो डिटेल हेड ऑफिस के पास रहता है वो तो कंफर्टेबल है, हेड ऑफिस के पास है ही, ब्रांच जो डिटेल चाहिए ब्रांच से लेकर के हेड ऑफिस बुक्स बना देता है। अब इसकी जो बुक कीपिंग है ना, ये वाली डिपेंडेंट ब्रांच वाली, उसमें तीन मेथड है, जिसमें पहला मेथड का नाम है डेटर सिस्टम। क्या नाम है? डेटर सिस्टम। तीन मेथड है, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम। मैं पहले डेटर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। पुरानी वाली जो स्टोरी लाइन था वो बोलने के बाद, उसके साथ डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस ब्रांच के लिए एक लेजर अकाउंट बनाता है, जिसका नाम होता है ब्रांच अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट। अगर वो कोई और अकाउंट बना रहा है तो उसको आप मेमोरेंडम अकाउंट्स बोल सकते हो या वर्किंग नोट बोल सकते हो, अदरवाइज एक अकाउंट बना करके डेटर सिस्टम को बिगिनिंग टू एंड कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, इसका स्टोरी यही है कि हेड ऑफिस, अगर मान लो ये फर्स्ट ईयर ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग है, तो हेड ऑफिस इस लेजर अकाउंट में, जिसका नाम ब्रांच अकाउंट है, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच के बीच में हुए हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर दोनों पार्टी इन्वॉल्व हैं। जैसे मान लो मेरा जमशेदपुर ब्रांच और मैं कलकत्ता में हेड ऑफिस है, तो कलकत्ता और जमशेदपुर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने उसको माल दिया, उसने मेरे को माल वापस किया, मैंने उसको रुपया दिया, उसने मेरे को रुपया दिया, उसने मेरा डेटर का पेमेंट कर दिया, मैंने उसको क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, मेरा डेटर वहां पे पैसा दे दिया, मतलब बेसिकली जहां पे मैं और वो
दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को साल भर इस लेजर में डाला जाता है, बाकी हर तरह के ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया जाता है सो फार एज रिकॉर्डिंग इन दिस लेजर इज कंसर्न्ड। बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो ब्रांच के लेवल पे होते हैं उसके लिए हेड ऑफिस या तो वर्किंग नोट बनाता है या मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाता है, या तो वर्किंग नोट या मेमोरेंडम अकाउंट। फॉर एग्जांपल ब्रांच का डेटर्स, ब्रांच का कैश, ब्रांच का स्टॉक, ब्रांच का फिक्स्ड असेट, इस तरह की चीजों के लिए हेड ऑफिस ही ब्रांच के कुछ वर्किंग नोट बना देगा, नहीं तो डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच क्रेडिटर अकाउंट, ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट करके मेमोरेंडम अकाउंट्स बना देगा। ये क्यों होता है? क्योंकि साल भर की सारी रिकॉर्डिंग इस लेजर में करने के बाद, कौन सी रिकॉर्डिंग? जो ट्रांजेक्शन एचओ और ब्रांच के बीच में हुए हैं उनको यहां पर लिख देने के बाद ईयर एंड में ब्रांच के पास कितना असेट और लायबिलिटी है वो डिटरमाइन करना पड़ता है, और वो डिटरमाइन करके भी करने के बाद इस लेजर में उस असेट लायबिलिटी को कैरेट डाउन करना पड़ता है, बाई बैलेंस कैरेट डाउन फॉर असेट्स, टू बैलेंस कैरेट डाउन फॉर लायबिलिटीज। और जब ये कैरेट डाउन वाला काम हो जाता है उसके बाद जो फाइनल बैलेंसिंग फिगर आता है इसी लेजर में वो प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर होता है। मतलब बेसिकली मैं अगर तीन स्टेप में आपको इसको बोलू तो ब्रांच अकाउंट खोल करके सबसे पहले उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो साल भर का जो एचओ और ब्रांच के बीच में हुए हैं, स्टेप नंबर टू। ये था स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, ईयर एंड में ब्रांच के पास जितनी भी असेट लायबिलिटी है उनके अमाउंट को ढूंढ करके असेट के लिए बाई बैलेंस कैरेट डाउन, लायबिलिटीज के लिए टू बैलेंस कैरेट डाउन करो। स्टेप नंबर थ्री, ब्रांच अकाउंट में जो भी डिफरेंस है उसको प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बोल करके ब्रांच अकाउंट को क्लोज कर दो। अब सोचो इस लेजर अकाउंट में आपको प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर मिल गया कि ब्रांच ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, वो प्रॉफिट हेड ऑफिस बाद में अपने पीएनएल अकाउंट में ले जाएगा, बिकॉज ब्रांच का प्रॉफिट भी तो कंपनी का ही प्रॉफिट है ना, तो उसको पीएल में ले जाएगा। अब यहां पे जो असेट लायबिलिटी मिला बाई बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी में, वो असेट लायबिलिटी को अपने कंपनी के बैलेंस शीट में अपन असेट लायबिलिटी के रूप में लिख लेंगे। और यहां पे सारा डेटा हेड ऑफिस के पास ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डेटा ब्रांच से लेना था हेड ऑफिस ने ब्रांच से ले लिया। और अगर मैं इसको अगले साल की बिगिनिंग के हिसाब से बोलूं, जैसे इस साल कैरेट डाउन जो डेटा हुआ, जैसे जो जो असेट आपने यहां पे कैरेट डाउन किया, अगले साल वो सारे असेट ब्रॉट डाउन हो जाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, लायबिलिटीज को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, फिर ड्यूरिंग द ईयर का सारा ट्रांजैक्शन लिख लेंगे साल भर में जो ट्रांजैक्शन हुआ, और फिर ईयर एंड में असेट लायबिलिटी ढूंढ करके असेट को बाई बैलेंस कैरेट डाउन, लायबिलिटीज को टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख करके जो भी डिफरेंस होगा पीएल में डाल देंगे। मतलब अगर इसी को मैं सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के रूप में बोलूं तो मैं चार स्टेप बोलूंगा। स्टेप नंबर वन, सारे ओपनिंग असेट्स और लायबिलिटीज को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दो। पूरे सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, पूरे साल भर में एचओ और ब्रांच के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए साल भर में उन सबको रिकॉर्ड कर लो। बाकी ट्रांजैक्शन को इस लेजर में लिखना नहीं है, उसके लिए मेमोरेंडम डेटर क्रेडिटर अकाउंट बना लो। स्टेप नंबर थ्री, कंप्लीट ऑल द मेमोरेंडम अकाउंट्स और वर्किंग नोट्स टू फाइंड आउट हाउ मच आर द क्लोजिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द ब्रांच, एंड वंस यू फाइंड देम आउट सारे असेट को बाई बैलेंस कैरेट डाउन कर लो, सारी लायबिलिटीज को टू बैलेंस कैरेट डाउन कर लो। थर्ड स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप ओपनिंग असेट लायबिलिटी रिकॉर्डेड, सेकेंड स्टेप ड्यूरिंग द ईयर एचओ और ब्रांच के सारे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, थर्ड स्टेप क्लोजिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। अब जो भी डिफरेंस आएगा साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस अर्न्ड बाय द ब्रांच रहेगा, टू पीएनएल में डाल के खत्म कर देना। इतना छोटा सा स्टोरी है रिवीजन का, ओके? अब इस स्टोरी में जो और एक जिसको बोलते हो आइडिया दिया, डिस्कस करने का बात होता है, वो है अगर हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस में माल भेजता है तो क्या होगा। तो देखिए कि मान लो हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं और हमने हेड ऑफिस, हम हेड ऑफिस हैं,
हमने ब्रांच को माल दिया, 100 का माल था लेकिन हम 120 में दिए, तो माय फर्स्ट आइडिया विल बी हम टू गुड्स एंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे, 100 का 120 है, कॉस्ट पे 20%, सेलिंग प्राइस पे 1/6। अब अगर मान लो उसने मेरे को कुछ माल वापस कर दिया तो हम लिखेंगे बाई गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न, हम उसको 120 का माल दिए, वो 12 लाख वापस दे दिया। ये दोनों हमें इनवॉइस प्राइस पे लिखना पड़ेगा, ये रूल है बुक में। अब उसके पास मेरा 108 लाख का इनवॉइस प्राइस पे माल और मेरे को ये मालूम है, तो हम इसका अनलोडिंग करेंगे बाई गुड्स एंड टू ब्रांच 108 × 1/6 दैट इज 18। अब इसको कोई सिंपल तरीके से समझेगा ना, तो हम 100 का माल 120 में दिए थे, वो 10 का माल हमको 12 में वापस कर दिया, तो एक्चुअल में तो मेरा उसके पास 90 लाख का ही माल रहा ना, तो 90 लाख ही तो डेबिट होना चाहिए, आप इसको नेट करोगे तो 90 लाख ही आएगा, बड़ा सिंपल तरीका है। तो वेन एवर देयर इज इनवॉइसिंग, वी सेंट एट इनवॉइस प्राइस, दे विल रिटर्न एट इनवॉइस प्राइस, एंड देन देयर विल बी अनलोडिंग फॉर द नेट गुड्स। आप इसको दो बार में भी कर सकते थे, 120 का 1/6 का लोडिंग यहां लिख करके अनलोड कर देते और 12 का 1/6 का अनलोडिंग 2 यहां लिख देते, यहां 20 और यहां 2 भी लिखने से भी काम सेम होता है, पर हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि नेट गुड्स का ही अनलोडिंग करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस में सेंड वेंड करते हैं तो जब क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है बाई बैलेंस कैरेट डाउन में क्लोजिंग स्टॉक, तो अब ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक है, ब्रांच से इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, ब्रांच तेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो ब्रांच ने बोला मेरे पास 24 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, तो खुद आंख मूंद के समझ जाना कि ये इनवॉइस प्राइस है। हमने जब तुमको बोला ये पेन 22 रुपया का है, तुमसे मैंने पूछा तेरे पास पेन है, तुम बोला हां, कितने का है, तुम बोला 22, तो ऑब्वियसली वो 22 तो हम जो बोले थे वही वाला फिगर है ना, और हम तो उसको 10 में खरीदे थे, हम तो तुमको 22 इनवॉइसिंग करके बोले थे, तो हम समझ जाएंगे ये इनवॉइसिंग है। तो अगर ब्रांच ने बोला मेरे पास 24 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, हम उससे डेटा मांग के लाए 24 लाख वो बोला, तो हम समझ जाएंगे ये इनवॉइस प्राइस पे है। तो अगर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे लिखा हुआ मिला तो हम टू बैलेंस कैरेट डाउन में स्टॉक रिजर्व भी लिखेंगे, विच इज 1/6 × 24 विच इज 4 लाख। और सोचो यही वाला क्लोजिंग स्टॉक जब अगला बार का ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो आप जब डेबिट साइड में 24 लिखोगे तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करके ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी 4 लाख लिखना पड़ेगा। तो इनवॉइसिंग के वक्त अगर गुड्स आर सेंट टू द ब्रांचेज एट इनवॉइस प्राइस, तीन काम एक्स्ट्रा होता है, पहला ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे लिखकर स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड में लिखना, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे लिखकर अनलोडिंग का काम क्रेडिट साइड में लिखना नेट गुड्स के लिए, तीन क्लोजिंग स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे लिख के उसका स्टॉक रिजर्व अलग से डेबिट साइड में लिखना। इसके अलावा मैंने आपको जो जो बात बोला वो एज इट इज वैलिड रहेगा। हाँ, अब आप बोलोगे सर आप इसमें साल भर में ट्रांजेक्शन जो है, साल भर का ट्रांजेक्शन अदर देन राइटिंग और रिकॉर्डिंग दी ओपनिंग असेट लाइबिलिटीज एंड क्लोजिंग असेट लाइबिलिटी, वो तो बिगिनिंग और एंड का काम हो गया, साल भर में आप खाली एचओ और ब्रांच के बीच का ट्रांजेक्शन लिखते, तो एचओ और ब्रांच के बीच में एट बेस्ट क्या ट्रांजेक्शन होगा, एचओ ने माल दिया ब्रांच ने पैसा दिया, या एक आध तो ट्रांजेक्शन हो गया एचओ का सैलरी ब्रांच पे कर दिया या ब्रांच का खर्चा एचओ पे कर दिया, इसी तरह का तो ट्रांजेक्शन होगा। तो बाकी सर डेटर को जो माल बेचा ब्रांच ने, जमशेदपुर में जो माल खरीदा बिक्री हुआ, डिप्रिसिएशन असेट ये वो, उसका अकाउंटिंग इस लेजर में नहीं होगा, उसके लिए आपको या तो मेमोरेंडम डेटर क्रेडिटर स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग अलग तीन तो चार तो, या फिर वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो सर वो वर्किंग हम क्यों बना रहे हैं, वही उन सारे ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए, पर वो रियल बुक कीपिंग का हिस्सा नहीं है, रियल बुक कीपिंग में तो खाली ब्रांच अकाउंट बन रहा है। तो सर वो फिर हम कर ही क्यों रहे हैं, क्लोजिंग डेटर पता करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक पता करने के लिए, क्लोजिंग क्रेडिटर पता करने के लिए, क्लोजिंग कैश पता करने के लिए। तो सर वो पता करके हम क्या करेंगे, आंसर इज बाई बैलेंस सीडी में लिखेंगे ना, बाई बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी में, नहीं तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर पता ही नहीं चलेगा। तो
तो ये सिस्टम है डेटर सिस्टम। अब आइए हम लोग अगला मेथड का डिस्कशन करते हैं, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ये डेटर सिस्टम से अलग कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जिस जिस चीज का आप वहां वर्किंग बनाए थे ना, या मेमोरेंडम डेटर, मेमोरेंडम क्रेडिटर, मेमोरेंडम स्टॉक सब बनाए थे ना, वो यहां पे रियल बुककीपिंग का हिस्सा बन जाता है अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कोई ब्रांच अकाउंट बनाने की दरकार नहीं है, बिकॉज डेटर सिस्टम में ब्रांच अकाउंट इसलिए बनता है कि ब्रांच को डेटर की तरह ट्रीट किया जाता है। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में ऐसा नहीं है। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में 100% रिकॉर्डिंग होता है, एकदम रियल बुककीपिंग के अंदर। नो मेमोरेंडम अकाउंट्स, ऑल आर रियल सच्ची का अकाउंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बुक्स। और हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता है सारे लेजर्स में। फिर सारे लेजर को जब क्लोज कर देते हैं तो सारे असेट का बैलेंस सीडी भी आ जाता है, लाइबिलिटीज का सीडी भी आ जाता है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी आ जाता है, क्योंकि पीएल भी बनता है। माने हर अकाउंट बनता है, हर असेट का अकाउंट बनता है, हर लाइबिलिटी का अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट भी बनता है, पीएल भी बनता है, इवन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनता है। आइए मैं आपको उसका एक सिस्टम समझाता हूं। प्रेडोमिनेंटली अगर मैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में बात करूं तो आप ये 5-6 लेजर बनाने से काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश, लॉस इन ट्रांजिट, इसका जितना भी अकाउंट बन सकता है, लॉस इन ट्रांजिट, पिल्फरेज, शॉर्टेज, इस तरह के जितने भी अकाउंट होंगे सब अलग अलग बन जाएंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच पीएल, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, लॉस इन ट्रांजिट, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल। ये जो एडजस्टमेंट वाला जो है ना अकाउंट, ये वो जो ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व और गुड्स सेंट टू ब्रांच का जो अनलोडिंग है ना, ये उसी के लिए बनाया जाता है। एक्चुअली इसी अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और पीएल से नेट प्रॉफिट मिलता है। तो एडजस्टमेंट और पीएल को आप ठीक से अगर समझ लेंगे तो आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम प्रॉपरली अंडरस्टूड हो जाएगा। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। मान लीजिए साल है 1920 और ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 400। और मान लीजिए ये इनवॉइस प्राइस पे है और मान लीजिए लोडिंग इज 25% ऑन कॉस्ट एंड 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस। तो अगर ब्रांच के पास 400 का स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है तो स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग लास्ट ईयर जरूर हुआ होगा। लास्ट ईयर जब क्लोजिंग स्टॉक लिखे होंगे तो स्टॉक रिजर्व भी तो लिखे होंगे। मान लो इसका स्टॉक रिजर्व 1/5 80 है तो वो स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग यहां पे होता है ब्रांच एडजस्टमेंट में और बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखा जाता है। कई बार स्टॉक रिजर्व का भी अलग से अकाउंट बनाने बोल देता है तो हम लोग स्टॉक रिजर्व में बाई बैलेंस बीडी लिख देते हैं और फिर उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जैसे ही आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे ना, ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक है अगर वो इनवॉइस प्राइस पे है तो इसको साथ में लिखना मत भूलना। फिर मान लो ब्रांच के पास डेटर्स हैं मान लो 200 के, ब्रांच के पास कैश पड़ा है मान लो 130। तो जैसे नॉर्मल असेट अकाउंटिंग नहीं हो रहा क्या, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैश, वैसा अकाउंटिंग है, प्रॉपर डबल एंट्री बुक कीपिंग है, देखिएगा। अच्छा, इसमें एक लेजर और बनता है जिसको मैं हार्ट ऑफ द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम बोलता हूं, उसका नाम है गुड सेंट टू ब्रांच। अगर आप ये लेजर बनाना भूल गए तो आप सम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई लेजर मत बनाओ, हो सकता है आप सम कंप्लीट कर देंगे, इसके बिना आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये जरूर बनाइएगा, कई बार फंसाने के लिए ना वो बोलता है ये लेजर मत बनाओ और आप नहीं बनाते हो, सम कंप्लीट नहीं होता है। अब देखो, मान लो मैं स्टार्ट करता हूं, सम में बोला कि ड्यूरिंग द ईयर वी सेंट गुड्स वर्थ 5000, इनवॉइस प्राइस पे हम लोगों ने भेजा ड्यूरिंग द ईयर।
तो ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, स्टॉक बढ़ गया, हम लोगों ने माल दिया, गुड्स सेंट टू ब्रांच में पोस्टिंग आ गया बाय ब्रांच स्टॉक। जर्नल एंट्री देखिए, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, हम लोग उसको जो माल दिए, ये इतना करके आपको भूल जाना है। अगर मान लो उन्होंने कुछ माल इसमें से वापस दिया होगा तो इधर बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख देंगे, स्टॉक आउट हो गया उनके यहां से, और यहां पे पोस्टिंग आ जाएगा, नेट गुड्स आ जाएगा, नेट गुड्स का अनलोडिंग कर देंगे। अभी हम ग्रॉस गुड्स का करेंगे क्योंकि मेरे कुछ माल वापस नहीं हुआ है मान लो, या चलो ना पकड़ते हैं इसी में से 1000 रुपया का माल वापस हो गया, 5000 हम लोग उसको दिए, वो 1000 वापस कर दिया, तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच 1000 रिटर्न, यहां पोस्टिंग कर दिए गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू ब्रांच स्टॉक 1000, 400 का माल उसके पास पहले से था, 5000 का माल सब इनवॉइस प्राइस हम लोग दिए, 1000 का माल उसने वापस कर दिया। अब मान लो उसने क्रेडिट सेल किया, तो क्रेडिट सेल करेगा तो डेटर बढ़ेगा ना, तो एंट्री इज डेटर टू स्टॉक, लॉजिक स्टॉक आउट हो गया, डेटर इन हो गया, डेटर खड़ा हो गया एसेट के रूप में, स्टॉक कम हो गया, तो मान लो क्रेडिट सेल हुआ 3200 का, तो डेटर्स में पोस्टिंग आ गया। मान लो कैश सेल हुआ 1100 का, कैश में पोस्टिंग आ गया, तो हर एक चीज का ना लेजर बना हुआ आप देखिए प्रॉपरली। अब सब में आपको डेटा देगा कितना कैश सेल हुआ कितना क्रेडिट सेल हुआ, अगर कैश सेल क्रेडिट सेल का डेटा नहीं दिया तो डेटर अकाउंट और कैश अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से कैश सेल क्रेडिट सेल निकल सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। अब मान लो यहां पे इन लोगों का कुछ लॉस इन ट्रांजिट हो गया से 100 रुपया का, कुछ माल जल गया, ये इनवॉइस प्राइस पे चेक करके लिखना पड़ता है कि ये इनवॉइस प्राइस पे ही हो, क्योंकि आप इधर में सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे लिखे हो, तो दिस इज इनवॉइस प्राइस, दिस इज इनवॉइस प्राइस, दिस इज इनवॉइस प्राइस, दिस इज इनवॉइस प्राइस, ध्यान से 1 2 3 4 ये दोनों आर एट सेलिंग प्राइसेस, जो कि इनवॉइस प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, इनवॉइस प्राइस से कम भी हो सकता है, और इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता है। ब्रांचेस मे सेल द गुड्स एग्जैक्टली एट इनवॉइस प्राइस, बट प्रिडोमिनेंटली 3200 और 1100 सेलिंग प्राइस है, मे बी इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, मे नॉट बी इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। लेकिन पहले लॉस इन ट्रांजिट पे बात करते हैं। अब जैसे ही लॉस इन ट्रांजिट हुआ, स्टॉक तो कम हो गया, एंट्रीज लॉस इन ट्रांजिट टू ब्रांच स्टॉक, लॉस इन ट्रांजिट में आप पोस्टिंग डाल दिए, लॉस इन ट्रांजिट टू ब्रांच स्टॉक। अब आपको यह नहीं भूलना है कि यह लोडेड है, यह इनवॉइस प्राइस है, इसके अंदर लोडिंग एलिमेंट कितना है, आंसर इज 1/5, बिकॉज 25% ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस का लोडिंग है, तो इसका 1/5 ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा और बाकी ब्रांच पीएल में चला जाएगा इफ देयर इज नो इंश्योरेंस क्लेम। इफ देयर इज इंश्योरेंस क्लेम तो सिंगल एंट्री में बताए थे लॉस का फिगर विल कम डाउन। ये चीज बच्चे भूल जाते हैं, सीधा लॉस इन ट्रांजिट को पीएल में भेज देते हैं, लेकिन बच्चों 100 इनवॉइस प्राइस है, लॉस 80 है, तो उसका एडजस्टमेंट में और पीएल में एडिक्वेटली ट्रांसफर करना इज इंपॉर्टेंट। तो आप एडजस्टमेंट में डाल दिए टू लॉस इन ट्रांजिट 20, पीएल में डाल दिए टू लॉस इन ट्रांजिट 80। अब मान लो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक सम में दिया हुआ है बैलेंस सीडी से 600। अब आप खुद समझो, इधर में है 5400 इनवॉइस प्राइस, ध्यान से देखना, इनवॉइस प्राइस इनवॉइस प्राइस इनवॉइस प्राइस इनवॉइस प्राइस इनवॉइस प्राइस, 1 2 3 4 5 इनवॉइस प्राइस पे है, ये छठा और सातवां इनवॉइस प्राइस पे है कि नहीं है, ज्यादा में माल बेचे कि कम पे माल बेचे कि इनवॉइस प्राइस पे माल बेचे हैं, वो टोटलिंग करने से पता चल जाएगा। अगर दोनों साइड का टोटल टैली हो जाता है तो मान लेना गुड्स आर सोल्ड वेदर इन कैश और इन क्रेडिट एट इनवॉइस प्राइस, अगर टैली नहीं होता है तो गुड्स आर सोल्ड अबव और बिलो इनवॉइस प्राइस। छह हजार
एग्जैक्टली 600 आया। तो ये 600 जो आया ना, दिस इज गुड्स आर सोल्ड अबव इनवॉइस प्राइस। क्रेडिट साइड ज्यादा आया ना, ऊंचा में माल बेचे, तो इफ गुड्स आर सोल्ड अबव इनवॉइस प्राइस, तो ये हम लोगों के ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा एज पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज नॉट द ओनली ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सेलिंग प्राइस इज अबव इनवॉइस प्राइस। अगर ये टैली हो गया होता तो ये अमाउंट नहीं आता और एडजस्टमेंट में नहीं जाता। तो मान लो ब्रांच एडजस्टमेंट में एक और अमाउंट आ गया बाय ब्रांच स्टॉक, अब और कुछ नहीं करना, अब यहां पे खाली ये देखना है कि ये 600 क्या है। आंसर इज क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी प्राइस पे? आंसर इज इनवॉइस प्राइस। तो इसके अंदर लोडिंग है, यस 1/5 अमाउंट, 1/5 इंटू 600, 120। क्या करना है? स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग करना है ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो आप यहां लिख दोगे टू बैलेंस सीडी स्टॉक रिजर्व। ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, हटा रहे हम डेबिट में लिख करके। डेबिट में जैसे लिख दिए मेरा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, देखिएगा। तो ये प्रोसेस है। अब ये स्टॉक का सारा काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब आप डेटर अकाउंट्स को देखो, 200 और 3200। मान लो इन लोगों को रुपया मिला 2800, मान लो बैड डेट हुआ 100, मान लो बाकी है क्लोजिंग डेटर्स 3400, 2900, 500। डेटर अकाउंट बड़ा नॉर्मल है, बड़ा ही नॉर्मल है। तो आप इस बैड डेट को, ये जो बैड डेट हुआ ब्रांच में, बैड डेट हो गया 3200 और 2300 और 2800, 500, 3300 और 134, 3400। ये 100 का बैड डेट को पीएल में ले आओ, जैसे नॉर्मल लाते हो। डेटर अकाउंट नॉर्मली कंप्लीट हो गया। अब आप कैश को देखो, 130 ओपनिंग कैश था, 1100 कैश सेल करके आया और डेटर से कलेक्शन होकर के हमारे घर में आया 2800 रुपया। एकदम प्लेन कैश बुक है। अब मान लो इसमें से एचओ को भेज दिया गया, एचओ कैश बाय एचओ कैश, ब्रांच ने एचओ को भेज दिया, पर क्योंकि बुक्स एचओ ही बना रहा है, डिपेंडेंट ब्रांच है, तो वो लिखेगा कॉन्ट्रैक्ट की तरह एचओ कैश टू ब्रांच कैश। मान लो एचओ को 3000 कैश मिल गया और ब्रांच ने मान लो एक्सपेंस इनकर किया 200 और बाकी कैश ब्रांच के पास पड़ा हुआ है। तो 2830 + 1100 + 2800 - 3200 = 830 का क्लोजिंग कैश है। अब इसमें बाकी सारा फिगर दे करके कलेक्शन फ्रॉम डेटर आपसे पता करवा सकता था। कलेक्शन फ्रॉम डेटर पता करवा करके हो सकता है क्रेडिट सेल आपसे पता करवा सकता था। क्रेडिट सेल फिर यहां पे लिखते तो जाकर के ब्रांच एडजस्टमेंट का फिगर आता। मतलब मिसिंग फिगर कहीं से कुछ भी दे सकता है। अब एक्सपेंसेस को भी आप पीएल में डाल दीजिए। अब आप देखिए, आपका स्टॉक अकाउंट हो गया, डेटर अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, लॉस इन ट्रांजिट हो गया। अब ये 3 अकाउंट बचा, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल, गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब इस अकाउंट के पहले ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना गुनाह है, क्राइम है। पहले इस अकाउंट को देखो। सर ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि 5000 रुपया एचओ ने ब्रांच को माल दिया था, 1000 वापिस आ गया और ये इनवॉइस प्राइस पे है। कितना? 4000 नेट गुड्स, ये इनवॉइस प्राइस है। तो सर इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/5 इज द लोडिंग, 4/5 इज द कॉस्ट प्राइस। तो इसका 1/5 जो है वो ब्रांच एडजस्टमेंट में डालना और 4/5 को ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। तो ये जो 4000 है, 4000 का 1/5 800, ये लोडिंग एलिमेंट है जो एडजस्टमेंट में जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, लोडिंग एलिमेंट एडजस्टमेंट में जाता है। 3 बार लोडिंग अनलोडिंग होता है, एक ओपनिंग स्टॉक के लिए, एक क्लोजिंग स्टॉक के लिए और एक गुड्स सेंट टू ब्रांच के लिए, और अगर लॉस इन ट्रांजिट वगैरह हुआ रहेगा तो वहां भी होता है। यह आ गया 3200।
ये चीज करना मेजॉरिटी में स्टूडेंट भूल जाता है, और खास करके अगर लेजर अकाउंट नहीं बनाने बोला ना तो बच्चा पक्का ही भूल जाएगा। और सोचो यहां पे से 800 रुपया ब्रांच एडजस्टमेंट में जा रहा है, और वो 800 रुपया आप अगर नहीं लेकर के गए यहां पे क्रेडिट साइड में, तो ग्रॉस प्रॉफिट ही रॉन्ग आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट रॉन्ग आएगा ही आएगा। अब ये देखिए 80 रुपया ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लास्ट ईयर का था, इस बार रियलाइज हो गया। ये 800 रुपया इस बार जो हम लोग उसको माल दिए उसका प्रॉफिट है, और ये 600 रुपया वो जो ऊंचा में माल बेचा उसका प्रॉफिट है। 20 रुपया माल जो जल गया उसका प्रॉफिट हम नहीं अर्न कर पाए, 120 रुपया जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया उसका प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर पाए, तो बाकी प्रॉफिट हम अर्न कर दिए वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है जो ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाए, ब्रांच एडजस्टमेंट से ब्रांच पीएल में चला जाएगा। कितने रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है? 800 प्लस 600 प्लस 80 माइनस 140, आंसर इज 1340। पीएल में आप ब्रांच एडजस्टमेंट का फिगर ले आओ, 1340 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, 1340 माइनस 380 960। अब इसमें अच्छा बात क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कॉपी में लिखा हुआ है, बुक में, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, उसका एंट्री होगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच का एंट्री कहां है? यहां है। रिटर्न का एंट्री यहां है। क्रेडिट सेल का एंट्री यहां है। कैश सेल का एंट्री यहां है। एचओ को जो पैसा भेजे उसका एंट्री यहां है। डेटर ने जो पैसा दिया उसका एंट्री यहां है। बैड डेट यहां है। हर चीज का रिकॉर्डिंग हुआ है। उस वाले सिस्टम में क्या था, डेटर सिस्टम में डेटर अकाउंट जो बनता था, ब्रांच अकाउंट जिसका नाम था, उसमें सिर्फ एचओ और ब्रांच के बीच के ट्रांजैक्शन का एंट्री होता था, और सारा एंट्री मेमोरेंडम अकाउंट में या वर्किंग नोट में हो जाता था। इसमें सब चीज का अकाउंट के लिए प्रॉपर लेजर अकाउंट है, हर चीज के लिए। तो ये प्रॉपर सिस्टम ऑफ बुककीपिंग है। इसको कंप्लीट करने में थोड़ा वक्त लगता है, ब्रांच अकाउंट थोड़ा इजीली कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दोनों का फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट का इतना ही आता है जितना यहां पे आया है, सेम आता है। तो ये हम लोगों का रिवीजन ऑफ स्टॉक एंड डेटर सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रिवीजन ऑफ तीसरा सिस्टम जिसका नाम है फाइनल अकाउंट सिस्टम। ये तुम समझ लो कि कैसा बुककीपिंग होता है। इसमें जैसे नॉर्मल जो डबल एंट्री बुककीपिंग होती है ना, सैलरी रेंट प्रिंटिंग वाली, सेल परचेज ओपनिंग स्टॉक वाली, हेड ऑफिस ब्रांच के लिए वैसा ही रिकॉर्डिंग करता है। अजीब मान लो ब्रांच रिलेटेड रिकॉर्डिंग के लिए एक अलग से पूरा बुक्स बना लिया कि भाई इसमें सब एंट्री हम वैसा ही करेंगे जैसा ब्रांच करता, तो पूरा उसको नॉर्मल डेटा मिल जाता है। और फाइनल अकाउंट सिस्टम में हम लोगों को क्या मांगा जाता है, हम लोगों को बोला जाता है ट्रेडिंग पीएल बना लो। फाइनल अकाउंट माने ही तो ट्रेडिंग पीएल। और ट्रेडिंग पीएल बनाना बच्चे लोग बचपन से सिंगल एंट्री के में, डिपार्टमेंट में, हर चैप्टर में सीखते हैं। फाइनल अकाउंट पहले भी सीखे हुए हैं फाउंडेशन में, 11th 12th में। तो आपको ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बनाना है, तो कैसे मूवमेंट करेंगे, डेटा सारा मिलेगा। मूवमेंट का सबसे पहला फिगर ओपनिंग स्टॉक, सर किस दाम पे लिखना है, कॉस्ट पे। हेड ऑफिस बना रहा है ना, तो हेड ऑफिस को कॉस्ट मालूम रहेगा, इनवॉइस प्राइस भी मालूम रहेगा, हेड ऑफिस कॉस्ट पे लिखेगा। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये परचेज के जैसा चीज है, ब्रांच के लिए परचेज है, तो हेड ऑफिस इसको ब्रांच के परचेज की तरह लिखेगा कॉस्ट पे। बाई सेल्स, अच्छा ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है नेट नाट करके लिखेगा कॉस्ट पे, नेट माने रिटर्न उटर्न आया होगा तो नेट करके। बाई सेल्स, कैश सेल और क्रेडिट सेल्स, सेलिंग प्राइस पे। बाई क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल कॉस्ट पे, कॉस्ट एनआरबी भी चेवर लोअर रहेगा तो एनआरबी पे लिखेगा, और टू जीपी आ जाएगा। तो सर ये तो एकदम प्लेन ट्रेडिंग अकाउंट जो 11 12th में बनाते थे वैसा ही है, खाली परचेज की जगह आप गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दिए। तो सोचो कि ब्रांच के लिए गुड्स सेंट टू ब्रांच एक परचेज है या नहीं है। है सर, तो बस लिख दो। यहां पे आप बाई ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना माई सन, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना,
ये यही वाला ग्रॉस प्रॉफिट आएगा जो आप ग्रॉस प्रॉफिट देख रहे हो, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट 1340। अभी देखिएगा हम इसी वाले सम को ना ट्रेडिंग पीएल बना करके दिखाएंगे, यही वाला ग्रॉस प्रॉफिट यही वाला नेट प्रॉफिट लाके दिखाएंगे। बस 2 मिनट रुकना और उसके बाद यहां पे सारे एक्सपेंस लिख दो, बैड डेट वट एवर इज द नेम ऑफ द एक्सपेंस, क्योंकि सब कुछ कॉस्ट पे ही हम लोग लिखे हैं तो हम लोग को स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बढ़ा के लिखे ही नहीं ना, कॉस्ट पे ही लिखे हैं तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो सर ये प्योर 11-12 का फाइनल अकाउंट है, आपको बैठ के खाली ब्रांच रिलेटेड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है, ओपनिंग स्टॉक गुड्स एंड टू ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लिखना है, बाकी सब कुछ जैसा बचपन से लिखते आए थे लिख देना, नेट प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का भी फिगर आ जाएगा। जैसे मान लो हम लोग यही वाला सम बनाते हैं, अभी जो सम बनाए थे ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। यहां देखिए ओपनिंग स्टॉक 400, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस पे था, इसका लोडिंग है 80, माइनस करके लिखेंगे 320। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, कितना हम लोग नेट गुड्स उसको दिए थे, नेट गुड्स, तो आंसर था नेट गुड्स 4000 का दिए थे, पर 4000 तो इनवॉइस प्राइस था, इसका कॉस्ट प्राइस 3200, हम 5 दिए थे वो 1 वापस कर दिया, तो नेट 4000 था ना, पर उसका कॉस्ट प्राइस 3200। बाय सेल्स, ओपनिंग स्टॉक परचेज आ गया, बाय सेल दो ठो सेल हुआ था, कैश सेल और क्रेडिट सेल, ये रहा 3200 और 1100, 4300 टोटल सेल आ गया। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 600, इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक 600 है, 600 माइनस 120 स्टॉक रिजर्व, आंसर आ गया 600 माइनस 120 480। और इन लोगों को कुछ अबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो बाई अबनॉर्मल लॉस या लॉस इन ट्रांजिट, ये भी कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक परचेज क्लोजिंग स्टॉक लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट याद होगा डिफल्केशन, परचेज से माइनस भी कर सकते हैं, क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं, तो मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं, लॉस इन ट्रांजिट का कॉस्ट आया था 80, लिख दिए 80। इसका इंश्योरेंस कवरेज नहीं है तो पूरा लॉस पीएल में आ जाएगा अल्टीमेटली। अब यहां जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे ना बेटा, वही वाला ग्रॉस प्रॉफिट आएगा जो यहां पे आया था 1340। देखिए 1340 आया कि नहीं, 4300 प्लस 80 प्लस 480 माइनस 320 माइनस 3200 1340। और ये प्लेन ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग में इतनी ही चीजें आती हैं। बाई चीपी लिख दिए 1340। अब एक्सपेंसेस देख लो, एक तो लॉस था 80 का, एक बैड डेट था, ये पूरा सेम बनेगा, ये जो ट्रेडिंग पीएल देख रहे हो ना सेम बनेगा एकदम सेम, बस यहां ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। बैड डेट था 100 का, एक्सपेंसेस था 200 का, नेट प्रॉफिट आ गया 960। अब एनी स्टूडेंट कैन आस्क मी ए क्वेश्चन कि सर व्हाई स्टॉक एंड डेटर इफ वी कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइक दिस, आंसर इज नो, स्टॉक एंड डेटर डोंट यूज दैट। तो सर हम लोग को पढ़ाना क्यों पड़ता है, हम लोग को पढ़ाना क्यों पड़ता है, आंसर इज इफ एन एंटिटी यूजेज स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एंड यू आर अपॉइंटेड एज इट्स अकाउंटेंट, तो आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम मालूम होना चाहिए। सर हम उसको फोर्स कर देंगे ना ट्रेडिंग पीएल बनाओ, तुम अकाउंटेंट हो मालिक नहीं हो, मालिक वो लोग हैं। सेम 960 रुपया का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में 12-13 अकाउंट बनते हैं या 7-8 अकाउंट बनते हैं, ब्रांच सिस्टम में जिसका नाम डेटर सिस्टम है एक अकाउंट बनता है और बहुत सारे मेमोरेंडम वर्किंग बनते हैं, और ट्रेडिंग पीएल में एक अकाउंट बनता है जिसका नाम ट्रेडिंग एंड पीएनएल होता है, इसको फाइनल अकाउंट सिस्टम कहते हैं। ये अपना रिविजन हो गया पूरा डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम का, लेकिन यह पढ़ाई हुआ है डिपेंडेंट ब्रांच का, यहां पे बुक्स ब्रांच नहीं बनाता,
ब्रांच डिटेल सारा एचओ को भेज देता है और एचओ सारी बुक कीपिंग करता है। एचओ के पास जो डेटा खुद के पास रहता है यूज कर लेता है, बाकी डेटा ब्रांच से दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार मंगवा लेता है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग डन बाई हेड ऑफिस। और डिपेंडेंट ब्रांच नाम इसीलिए डिपेंडेंट ब्रांच है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर बुक कीपिंग ऑन हेड ऑफिस। सो रिविजन इज कंप्लीट फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस। इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।